राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के जन्मदिन पर उनके चाहने वालों और कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए इंडोर स्टेडियम में भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम को लेकर तैयारी बीते एक सप्ताह से चल रही है। विशेष केक बनाने के लिए दिल्ली से टीम बुलाया गया है, जिसके साथ स्थानीय केक मेकर भी विशाल केक बनाने में जुटे हुए हैं। इस केक की लंबाई लगभग 111 फीट है। 111 फीट लंबा केक है, छत्तीसगढ़ का सबसे लॉन्गेस्ट केक है। माननीय एजाज ढेबर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये बनाया गया है। मैं बिलासपुर से नवीन नागदौने हूँ और हमारी पूरी टीम है। हम एजाज ढेबर जी के प्रशंसक हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पे इतना अनोखा केक बनाया गया है। इस आप केक को जब देखेंगे तो पता चलेगा इसमें तरह तरह की 3 साल की भूपेश सरकार की उपलब्धियाँ, एजाज ढेबर जी की पूरी उपलब्धियाँ, नगर निगम की, इसमें सब चित्र के द्वारा इसे प्रदर्शनी लगाई गई है। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी प्रदर्शनी लगी है जो केक के ऊपर फोटो लगा है और केक में पूरी प्रदर्शनी है, इनके विकास कार्यों को दिखाया जा रहा है। ये इसमें लागत 2 लाख रुपए की लगी है और इसको बनाने में 5 से 6 घंटा लगा है। महापौर जी के जन्मदिन ये बताना चाहेंगे कि सब लोग एकजुट रहे, सब शांति से रहे और नगर निगम इतना अच्छा कार्य कर रही है, रायपुर का इतना विकास हो रहा है और ये चित्र के द्वारा भी हम वो दिखा रहे हैं। और यहाँ नगर निगम के सभी कर्मचारी को बुलाया गया है, उनको पुरस्कारवर्धक किया जा रहा है, उनको सम्मान भी कराया जा रहा है एजाज ढेबर जी के द्वारा। ये बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है और ये कार्यक्रम होने के बाद जितने नगर निगम के कर्मचारी आए हैं और यहाँ सब आए हैं, सबको एक केक बांटा भी जाएगा और पार्सल भी दिया जाएगा। महापौर जी को अच्छे स्वास्थ्य की मैं दुआ देना चाहूँगा और हमेशा खुश रहे और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं नवीन नागदौने बिलासपुर से। आज 1 मई मजदूर दिवस का दिन है और आज ही के दिन रायपुर के महापौर एजाज ढेबर का भी जन्मदिन है। आप ये जो केक देख रहे हैं लगभग 111 फीट इसकी लंबाई है और जो तस्वीरें देख रहे हैं महापौर एजाज ढेबर की, जो कार्यकाल है जो 3 साल जो 2 से 2.5 साल के अंदर जो कार्य काम हुए उसमें जो है तमाम जो तस्वीरें हमारे साथ। केक इतना लंबा है सर, जानकारी के लिए दिल्ली से टीम आई हुई है इस केक को बनाने के लिए। इतना लंबा केक है और कितनी मेहनत लगी इसको बनाने के लिए? देखिए ये जो केक बना है आज, इसका वजन लगभग 1500 किलो है और इसको फीट में नापेंगे तो ये 111 फीट है, जो आज तक का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा केक है, जिसको साइन रोड इंडिया लिमिटेड दिल्ली एवं मौसाजी बिलासपुर की संयुक्त शेफ टीम ने बनाया है, जिसमें शेफ केदार सिंह, शेफ राजू सिंह, शेफ चिराज सिंह और अन्य जो शेफ टीम है, इन्होंने इसकी 6 घंटे की कड़ी मेहनत और बोला जाए तो तैयारी जो है इसका पिछले 1 हफ्ते से किए थे, जिसको आज हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखा जाए तो लगातार 111 फीट का केक है, आप दिल्ली से आए हुए हैं और भी कहां कहां से जो टीमें आई हो, कितने की संख्या में स्टाफ थे इस केक को बनाने के लिए, कितने दिनों में तैयार हुआ है केक? देखिए एजाज भाई का, एजाज सर का जो रायपुर में जो महापौर हैं, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, जिस प्रकार से उन्होंने कोविड काल में काम किया, वो अपने आप में प्रशंसनीय हैं। इसी को देखते हुए साइन रोड फूड्स ने और बिलासपुर की टीम ने उनके बर्थडे में एक सौजन्य गिफ्ट जो है वो उनको भेंट करने की कोशिश किए हैं और साथ ही एक रिकॉर्ड बनाए हैं कि छत्तीसगढ़ में आज तक का सबसे बड़ा केक, पिछला जो केक था वो 100 फीट का था लेकिन आज उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमने 111 फीट का केक बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो रहता है उसमें क्या केक दर्ज किया जाएगा? देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए रहता है, लेकिन इंडिया में जो सबसे बड़ा केक है वो 406 फीट का बना था, जिसको हमारी कंपनी ने बनाया था सूरत के अंदर सलमान खान के बर्थडे में, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज तक इतना बड़ा केक नहीं बना था, तो गिनीज बुक में तो नहीं लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के रिकॉर्ड की ओर से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा केक जो है वो आज बना है। एक बात बताइए सर, जो 111 फीट का केक बनाया गया, क्या क्या कुछ मिलाया गया? फ्रूट लेवल का केक है, चॉकलेटी है, क्या कुछ जो है इसमें मिलाया गया बताइए? देखिए जो केक बना है सबसे पहले तो इसकी जो क्वालिटी है उस पर ध्यान दिया गया है, इसको एगलेस केक बनाया गया है, इसके साथ ही जो क्रीम यूज़ किया गया है वो फैट फ्री क्रीम है, कोलेस्ट्रॉल फ्री क्रीम है और सोया बेस्ड क्रीम है, इसमें किसी प्रकार की चिकनाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार के हानिकारक कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है और फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल किया गया है, जो सेहत के लिए एक बोला जाए तो अच्छा चीज़ है, जिसमें किसी प्रकार से हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक आखिरी सवाल था सर, इसमें लागत कितनी आ गई होगी केक को बनाने के लिए, कितने 1 हफ्ते का लग रहा है, कितना समय लग गया, कितनी लागत आ गई, क्योंकि 1 हफ्ते का समय लगा है, लागत कितनी आ गई होगी? देखिए समय तो इसका जो है पिछले 1 महीने से प्रिपरेशन चल रहा था और कड़ी मेहनत जो है वो 1 सप्ताह का लगा है,
लेकिन जो पिछले दो दिन का दिन था, जो 30 तारीख और आज 1 तारीख का, इसमें हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। इवन हम कल रात में सोए भी नहीं हैं, हम लोगों का रात में बिना सोए और आज सुबह से 6 बजे से हमने काम चालू किया है और हमको 12 बजे तक टारगेट था काम करने का। हमने समय पे काम को जो है पूरा किया है और रिजल्ट आपके सामने है। तो ये लगातार एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद जो है 111 फीट का जो है केक बनाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि माला भी है, आप देख सकते हैं 111 फीट की माला है। कुछ ही देर में सीएम भूपेश बघेल इस मंच पर आएंगे और जो है मजदूर दिवस के अवसर पर जो है एक विशाल कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है और लगभग 12 बजे से 3 बजे तक लगातार है, 3 घंटे का लगातार लंबा कार्यक्रम है जिसमें जो है तमाम जो सेलिब्रिटी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। छत्तीसगढ़ के लोग जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। इसके पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मंच के जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर जो है सफाई मित्र हैं उनका जो सम्मान होने वाला है। लगभग जितने भी नगर निगम के सफाई कर्मी हैं जो वो वार्डों में जाकर जो है उनकी सफाई का यहाँ पे सम्मान होने वाला है, सफाई कर्मियों का यहाँ पे सम्मान होने वाला है। और जो तस्वीर जो केक के ऊपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये तस्वीर जो है केक के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो महापौर के जो कार्य हैं किस तरह से उन्होंने काम किए थे साल भर के अंदर। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है छोटा हाथी में जो है कचरा डालते दिखाई दे रहे हैं, वहीं राज्यपाल सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अच्छे कामों को लेकर सीएम भूपेश बघेल से सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तमाम तस्वीरें हैं इन केकों पर जो है कहीं ना कहीं दिखाई गई हैं। इस केक का उद्देश्य यह है कि जितने भी जो है महापौर के जितने भी काम थे उन जो चित्रों के माध्यम से इस केक पर जो है दर्शाया गया है। और अब से कुछ देर बाद जो है सीएम भूपेश बघेल यहाँ पे आने वाले हैं, उसके बाद जो है महापौर के जन्मदिन भी है, उसके उपलक्ष्य में आज जो केक है महापौर एजाज ढेबर के बर्थडे के उपलक्ष्य में जो है सीएम भूपेश बघेल इस केक को काटेंगे। CCP24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।